पुस्तकालय। पुस्तकालय शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, पुस्तक प्लस आलय, यानी पुस्तकों का घर। पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का संग्रह किया जाता है। पुस्तकालयों की परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही है। नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालयों के अपने विशाल पुस्तकालय थे, जिसमें ज्ञान विज्ञान की अनेक पुस्तकें रखी जाती थी। भारत में अनेक राजा महाराजाओं ने भी अपने अपने पुस्तकालय बनवाए, जो विदेशी आक्रमण में नष्ट हो गए। पुस्तकालय मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, निजी, संस्थागत और सार्वजनिक। निजी पुस्तकालय व्यक्ति विशेष के होते हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी मनपसंद पुस्तकों का संग्रह करता है। संस्थागत पुस्तकालयों के अंतर्गत किसी संस्था, समिति, सांप्रदाय या वर्ग, विद्यालयों, विभागों, विश्वविद्यालयों, विभिन्न प्रकार की धार्मिक संस्थाओं के पुस्तकालय आते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय बड़े स्तर के होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का संग्रह होता है। इस पुस्तकालय का सदस्य कोई भी व्यक्ति बन सकता है। इन पुस्तकालयों में जनता को निःशुल्क अथवा नाम मात्र के शुल्क से पत्र पत्रिकाएं तथा पुस्तकें पढ़ने को मिलती है। स्कूल कॉलेज के पुस्तकालयों से केवल उनमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को ही पुस्तकें प्राप्त होती है, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय से सभी को पुस्तकें प्राप्त हो सकती है। पुस्तकालयों के अनेक लाभ होते हैं, जैसे कीमती पुस्तकों का भी आसानी से उपलब्ध होना निर्धन व्यक्तियों के लिए अत्यंत उपयोगी, बैठने की उचित व्यवस्था, शांत वातावरण, सभी प्रकार की पुस्तकें एक ही छत के नीचे उपलब्ध होना, देश विदेश के समाचार पत्र पत्रिकाएं आसानी से प्राप्त हो जाना। पुस्तकालयों में ऐसी अनेक पुस्तकें होती है जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता, या तो वे मिलती ही नहीं या बहुत महंगी होती है। ज्ञान के भंडार प्राचीन ग्रंथ भी इन पुस्तकालयों में होते हैं। पुस्तकालय में समय का सदुपयोग होता है। निर्धन विद्यार्थियों तथा व्यक्तियों के लिए तो पुस्तकालय वरदान स्वरूप है। आर्थिक स्थिति के कारण वे पुस्तकें नहीं खरीद सकते, वे पुस्तकालयों में जाकर पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। किसी विषय का उच्च तथा विशेष अध्ययन करने के लिए अनेक प्रकार की पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, यह केवल पुस्तकालयों में जाकर ही संभव हो सकता है, क्योंकि वहां एक ही विषय पर अनेक विद्वानों की लिखी पुस्तकें उपलब्ध होती है। पुस्तकालयों के प्रति हमारा कर्तव्य। पुस्तकालय अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। पुस्तकालय में अध्ययन करते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वहाँ शांति का वातावरण होना चाहिए, अतः वहाँ जाकर हमें शांत रहना चाहिए तथा पुस्तकों व पत्रिकाओं पर कुछ लिखना नहीं चाहिए। हमें उनका प्रयोग सुरक्षा पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि वे सार्वजनिक संपत्ति होती है। हमें उसके पृष्ठ नहीं फाड़ने चाहिए। विद्यार्थियों को अध्ययन मनन के लिए ही पुस्तकालयों में जाना चाहिए, केवल मनोरंजन के लिए नहीं। सरकार को भी पुस्तकालयों को बढ़ावा देने के प्रयास करने चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। हमें चाहिए कि समय अनुसार हम भी पुस्तकालयों में पुस्तकें दान में दें, ताकि पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे।